एनसीआर सोनीपत में कई दिनों से गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को बाद दोपहर नेशनल हाईवे 44 राय क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई और मौसम सुहाना हो गया। बारिश की वजह से गांव जठेरी से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर भी बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। लोगों ने बताया कि पहली बार हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी है, अगर लगातार बारिश नहीं हुई तो उमस बन जाएगी। सड़क पर बरसाती पानी की निकासी नहीं होना भी राजी रोड दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गया। देखो, किसानों को तो बारिश कभी भी सही सलामत हो जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन जब पहली पहली बारिश होती है तो उसके साथ साथ जो पृथ्वी पर गर्माहट होती है, उसकी उमस पैदा होती है, उससे थोड़ा दिक्कत होती है पशुओं को भी, पक्षियों को भी। लेकिन पानी जब बरसता है तो किसानों को खुशी होती है और बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगर ये बारिश लगातार हो जाए तो बहुत ही बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा, अन्यथा ये बारिश अगर 4-6 दिन नहीं हुई, मॉनसून नहीं आया, तो फिर उमस ज़्यादा बढ़ जाएगी और फसलों को पानी देने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बारिश से पेट बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे लोग, बहुत परेशानी थी। कम से कम पहली बार ऐसा देखा है 50% डिग्री वो टेम्परेचर, इससे हमें ये लगता है भाई बारिश दो तीन दिन लगातार हो जाएगी, इससे सुधार हो जाएगा, नहीं ऐसे रहेगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तपोज हो जाएगी, इसमें किसान भी खुश हो जाएगा, धान लगने की टैमर है और धान भी बढ़िया तरीके लग जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।